पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया एग्जाम और इसे लिखा गया है भाई ये, ठीक है, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो आपसे पूछा जाए कि कैरियर को क्या लिखेंगे, कैरियर को हमें क्या लिखना है, आपसे ये पूछा जाए कि कैरियर को क्या लिखना है, यानी किसी कूट भाषा में यदि एग्जाम को ये लिखा जाता है तो कैरियर को क्या लिखा जाएगा। सभी साथी पहले क्लास को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सभी साथी पहले शेयर करें, सभी का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अब आपको आगे की तरफ भी तैयारी करनी चाहिए, सभी टीचर आपके साथ हैं, आपके लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, मतलब आप उसी में फंसे रहे उससे कोई फायदा नहीं है, समय समय पर सारे कार्य करने। तो ये छोटा सा बालक भी होगा ना वो भी इस क्वेश्चन को बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं आपको करने का तरीका बताना चाहती हूँ, यानी आपको तरीका ढूंढना है कि हम क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अल्फाबेट नंबरिंग लिखनी है, ठीक है, ये 5 था, ये 24 है, और ये आपका 1 है, और ये आपका 13 है, ठीक है, ये आपका 6 है, ये 25 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 14 है, ठीक है। अब यहाँ से हम तरीका देखेंगे, क्योंकि नंबर के बीच हम लॉजिक को अच्छे से पहचान लेते हैं, वैसे हम नहीं पहचानेंगे। तो यहाँ से हमने देखा 5 को 6 किया यानी कि +1 किया, ठीक है, +1, फिर आपका 24 से 25 +1 किया, फिर आपका 1 से 2 +1 किया, फिर 13 से 14 यानी कि सभी लेटर में +1 कर दिया, तो आप भी क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो ये आपका 3 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 5 है, 5 और आपका 18, अब सभी में +1 करना है, तो यहाँ से +1 करेंगे, देखिए +1 करेंगे तो डी आ जाएगा, +1 करेंगे तो यहाँ से बी आ जाएगा, +1 एस आ जाएगा, +1 एफ आ जाएगा, +1 करेंगे तो एस आ जाएगा, यानी कैरियर को इसी कूट भाषा में, सेम कूट भाषा में हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। अब आपने देखा कि पहले लेटर को पहले लेटर से लिखा गया है, ठीक है, पहले लेटर को पहले लेटर से लिखा गया है, देखिए पहले लेटर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, जब हम देखिए जब हम इस प्रकार से, जब हम इस प्रकार से पहले लेटर को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से लिखते हैं, तब हम इसे कौन सा पैटर्न बोलते हैं, तब हम इसे फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, कौन सा बोलते हैं भाई, फॉरवर्ड पैटर्न कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड पैटर्न कहा जाता है किसी कूट भाषा में। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्णा, सभी साथी लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे, दबाकर क्लास को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न समझ में आया, यानी पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, लेकिन आपके जो लॉजिक हैं, प्लस वाला लॉजिक, माइनस वाला लॉजिक, वो आपका बदल सकता है। यहाँ पर हर लेटर में +1 किया गया है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका +1 ही किया जाए, इस एग्जाम को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए फिर से मैंने एग्ज़ाम लिया, फिर से मैंने एग्ज़ाम लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा जी, यहाँ पर मैंने लिखा जेड, यहाँ पर लिखा सी, और यहाँ पर लिखा मैंने एम। अब मैं आपसे कहूँ कि फादर को बताओ क्या लिखा जाएगा, मैं आपसे कहूँ कि फादर को बताओ क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पैटर्न पहचानना है कि पैटर्न कौन सा है इसमें। गुड मॉर्निंग डियर रेखा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पैटर्न पहचानना है। तो पैटर्न पहचानने की आपके पास ट्रिक क्या है, कि आपको क्या करना है, यहाँ से नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने नंबर डाला, नंबर डालने के बाद आप लोगों ने देखा भाई, देखिए कितना आया, 5, ठीक है, 24, यहाँ से 1, यहाँ से 13, यहाँ से हमने किया 7, यहाँ से 26, यहाँ से 3 और यहाँ से 15। हमने देखा अंतर लेने के बाद, यानी कितने जोड़े गए हैं, तो यहाँ से 2, यानी +2, +2 और +2 किया गया है। तो आपको भी क्या करना है, इन सब में +2 कर देना है, लेकिन पैटर्न कौन सा है, पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। पैटर्न कौन सा है आपका, फॉरवर्ड पैटर्न है, यानी आमने सामने आपके प्लस करते हुए जा रहा है, ठीक है। चलिए एसएससी जीडी का 26 को पेपर है, तो एसएससी जीडी वाले के लिए मॉक टेस्ट लाया जाएगा, डोंट वरी, आप लोग परेशान ना होंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखा, अब हमें +2 करना है, तो एफ में +2 करेंगे, एफ में +2 तो एच आ जाएगा, +2 सी आ जाएगा, +2 करेंगे तो वी आ जाएगा, +2 करेंगे तो जे आ जाएगा, +2 करेंगे तो जी आ जाएगा, और +2 करेंगे तो आपका टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने ये लिख दिया, चलिए साथियों यहाँ से हमने इसको ये लिख दिया, यानी हमें फादर को ये लिखना है, तो हमने लिख दिया। तो ये पैटर्न कौन सा है आपका, फॉरवर्ड पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है भाई, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पैटर्न है। आपको पैटर्न पता होने चाहिए, लॉजिक तो आप तुरंत पता कर लेंगे, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉरवर्ड पैटर्न पता होना चाहिए। अगर फॉरवर्ड पैटर्न आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को
नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम, एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन को, देखिए रिपीट ही कर रही हूँ। हमने क्या किया, देखिए 5 से 7 किया है, 24 से 26 है, 1 से 3 है, 13 से 15 है, सभी लेटर में प्लस आपका कितना किया गया है, 2 किया गया है, तो हमने भी प्लस 2 कर दिया सभी लेटर में। तभी मैंने आपको कहा था कि कल वाले क्वेश्चन यानी कल वाली क्लास आपको जरूर पता होनी चाहिए। जब तक आपको ये अल्फ़ाबेट नंबर नहीं पता होंगे तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाता है आपका क्रॉस पैटर्न। देखिए यहाँ तक जो आपका लगा है वो कौन सा लगा है, आपका फॉरवर्ड पैटर्न लगा है। कौन सा लगा है, फॉरवर्ड पैटर्न। अब आपका एक रिवर्स पैटर्न आता है, यानी कि इसी कूटवासा में हमने एग्जाम को फिर से लिया, हमने फिर से एग्जाम लिया और एग्जाम को लिख दिया गया है वही यहाँ से एन, यहाँ से वी, यहाँ से वाई और यहाँ से एफ लिख दिया गया है। ठीक है अब आपसे पूछा जाता है, अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्लॉक को क्या लिखेंगे, अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्लॉक को क्या लिखेंगे। तो अब यहाँ पर पैटर्न बदल गया। अब देखिए यहाँ पर आपने 5 किया है, ठीक है, यहाँ पर 24 है आपका और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपका 13 है। ठीक है अब देखो यहाँ पर पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जैसे ही पैटर्न बदलता है तो यहाँ देखो 14, यहाँ 2, यहाँ 25 और यहाँ पर 6। अब आप बहुत बड़े कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, मैम 5 था तो 14 कर दिया, चलो प्लस कर दिए 9, लेकिन 24 था तो 2 आ गया, आप कितने प्लस किए। तो यहाँ पर कोई एक लॉजिक एक सिक्वेंस नहीं बनना, और जब तक लॉजिक एक सिक्वेंस नहीं बनेगा तब तक आप पता नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है गुड मॉर्निंग पबजी लवर और श्यामू लाइट राधे राधे कृष्णा डियर। ठीक है क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते जाएँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए। ठीक चलिए साथियों, तो यहाँ से हमने देखा अब जो हमें पैटर्न लगाना है डियर, अब जो हमें पैटर्न लगाना है वो कौन सा लगाना है, ये वाला। ठीक है पीछे से लेटर को लिखा गया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं पीछे से लेटर को लिखा गया है और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम कहते हैं रिवर्स पैटर्न। क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं रिवर्स पैटर्न। ठीक है क्या कहते हैं भाई, रिवर्स पैटर्न इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवर्स पैटर्न इसे कहा जाता है, यानी कि 5 से 14। ठीक है 5 से 14 किया गया है, हमें लॉजिक समझ नहीं आया लेकिन हमने पीछे से लॉजिक लगा के देखा, 13 से 14, 1 से 2, 24 से 25, 5 से 6, यानी सभी में क्या किया गया है, सभी में +1 किया गया है, यानी ये पैटर्न कौन सा है आपका, रिवर्स पैटर्न है। बात समझ में आई यहाँ तक, बात सभी के समझ में आई, आई थिंक आप सभी लोगों की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कहूँ कि क्लॉक को क्या लिखा जाएगा तो आप तुरंत लिख देंगे, क्योंकि आपको बैक साइड से लिखना है और +1 करना है, तो 11 में +1 करेंगे तो 12, 3 में +1 करेंगे तो D, 15 में करेंगे तो 16, 12 में करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा और 3 में करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, यानी क्लॉक को क्या लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा गया है भाई, तो आप लोगों को पता है भाई किस तरीके से लिखा गया है, क्रॉस पैटर्न का सॉरी रिवर्स पैटर्न का यूज किया गया है। तो आपने 2 पैटर्न सीखे, एक तो आज आपने सीखा फॉरवर्ड पैटर्न और एक आपने सीखा रिवर्स पैटर्न। ठीक है फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न। अब आ जाते हैं फिर से हम आ जाते हैं, एक और आपका पैटर्न होता है, देखिए एक और पैटर्न है, ऐसा नहीं पैटर्न कई सारे हैं, 3-4 पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं। जब तक ये 3-4 पैटर्न आपको नहीं पता होंगे तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है चलिए भाई क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएं। तो यहाँ से हमने देखा, देखे भाई एक बार फिर से हमने लिया फादर, एक बार फिर से हमने लिया फादर। ठीक है चलिए मदर ले लेते हैं, इस बार इसको ले लेते हैं, मदर को ले लेते हैं और पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है हम मदर को ले लेते हैं, चलिए यहाँ से हमने लिया मदर, MOTHER। ठीक है MOTHER मदर को लिखा जाता है आपका, पी और एन, ठीक है आई और आपका आई के बाद यू, ठीक है फिर एस और फिर एफ लिखा, ये लिखा जाता है। ठीक है अब इस वाले पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, नंबरिंग डालनी है। जब तक आप नंबरिंग नहीं डालेंगे तब तक आपको लॉजिक समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि नंबर्स के आधार पर ही हमें लॉजिक समझ में आते हैं। तो ये 13, ये 15, ये 20, ये आपका 8, ये आपका 5 और ये आपका 18, यहाँ से हमने देखा 16, ये आपका 14, ये आपका 9, ये आपका 21 और ये आपका 19 और ये आपका कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है अब आपको लॉजिक समझ में नहीं आए, और जब लॉजिक समझ में नहीं आए तो आपको पैटर्न बदल देना है। देखो पैटर्न क्या है, दो दो लेटर को क्रॉस किया गया है, 15 को 16 लिखा गया है और 13 को 14 लिखा गया है, 8 को 9 लिखा गया है,
20 को 21 लिखा गया है, 18 को 19 लिखा गया है और 5 को 6 लिखा गया है। अब ये वाला कौन सा पैटर्न है? तो इस पैटर्न को हम कहते हैं क्रॉस पैटर्न। किसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं क्रॉस पैटर्न। क्या कहते हैं भाई? क्रॉस पैटर्न कहते हैं। तो अब आप लोग, जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्रॉस पैटर्न आपका क्या होता है, तो लेटर को आपस में क्रॉस किया जाता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है दो दो लेटर को ही क्रॉस करे, वो आपके तीन लेटर, चार लेटर, कितने भी लेटर को क्रॉस कर सकता है। ये डिपेंड उसके ऊपर करता है, एग्जामिनर के ऊपर, कि वो क्या लॉजिक लगा के दे रहा है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आई?